एसोसिएट ग्रोथ कंपैरिजन में अब कहीं ना कहीं एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले हमने आपके सामने रखा मोहम्मद वसीम वर्सेस कुशल बुर्देल की अगर बात करें तो किस तरीके का उनका ग्रोथ रहा है इस रिसेंट ईयर्स में, जो ओपनर्स रहे उनका हमने बारे में आपसे बात की। उसके बाद हमने वीरेंद्र सिंह वर्सेस रियाजत अली शाह, जी हाँ, दो बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर्स जो एसोसिएट्स के रहे हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने की कोशिश की कि कौन किससे बेहतर नजर आया है ग्रोथ के मुकाबले में रिसेंटली लास्ट दो सालों में 2022 के मुकाबले 2023 में। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा अलग से हटके है, ये है जो भी रिसेंट कप्तान बने हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया कि जो रिसेंट नए कप्तान बने हैं उनकी ग्रोथ किस तरीके की है और सबसे बेहतरीन एज अ कैप्टन उभर कर कौन आया है। उसमें दो पहलू हैं, सिर्फ एज अ कैप्टन टीम की जीत ही नहीं उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी कैसी रही है, क्योंकि कप्तान की खुद की परफॉर्मेंस ज्यादा डिपेंड करता है, बेटर होनी चाहिए, लीड फ्रॉम द फ्रंट होनी चाहिए। तो दो पैरामीटर होंगे कि खुद की परफॉर्मेंस उनकी कैसी रही है प्लस उनकी टीम में उनके अंडर में टीम ने किस तरीके की अचीवमेंट हासिल की है। इस कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद वसीम, मुनान पटेल और रोहित पुडेल, ये तीनों ही हमने क्यों पिक किए हैं जरूर बताइए। नहीं जरूर, देखिए इन तीनों को ही अभी हाल में ही कप्तान चुना गया है। अगर हम इस साल बात करें, अगर देखें 2022 में रोहित, बिल्कुल 2022 में रोहित को चुना गया, फिर मोहम्मद वसीम को 2023 में चुना गया, उसके बाद अगर आप मुनान पटेल को भी देखेंगे तो इन्हें भी 2023 में 22 में कप्तान चुना गया था। तो हाल में जो जिन कप्तानों को चुना गया है और वो ये खासकर हमने इन तीनों को ही चुना है क्योंकि ये हाल फिलहाल में ही साल या दो साल के अंदर ही कप्तान चुने गए। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं तो ये तीन है, मुनान पटेल जो है 2-3 साल है जिनके बीच में करीब करीब हुए, हम उन्हीं की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंड सबसे पहले इनके खुद के स्टैट्स जानते हैं कि एज अ कैप्टन, याद रखिएगा जो हम आपके सामने स्टैट रख रहे हैं, ये एज अ कैप्टन उन्होंने टीम के लिए कितना कंट्रीब्यूशन दिया, कितने रन किए, क्या उनका एवरेज है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मुनान पटेल से शुरुआत करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बने रही है। बिल्कुल, और मुनान पटेल की बात करें तो यहाँ 37 इनिंग उन्होंने खेली है, 1103 रन उन्होंने किए हैं, 30.64 का उनका बैटिंग एवरेज है, 1226 बॉले उन्होंने फेस की है, एक सेंचुरी है, 7 हाफ सेंचुरीज हैं, 93 फोर्स हैं और 26 हैं, ये उनका पूरा लेखा जोखा है अब तक का एज अ कैप्टन। बिल्कुल, याद रखिएगा ये दोनों फॉर्मेट मिक्स कर हम कह रहे हैं, ODI और T20I की बात कर रहे हैं, दोनों मिक्सअप है यहाँ पर। इंटरनेशनल क्रिकेट में मुनान पटेल के जो एज अ कैप्टन रन हैं, जो स्टैट्स हैं, वो कुछ इस तरीके के हैं। अब ये कितने बेहतर हैं कितने नहीं, रोहित से बेहतर है, मोहम्मद वसीम से बेहतर है या फिर दोनों से कम है, क्या है, ये आगे ही कंपैरिजन में पता चलेगा। अब बात करते हैं मोहम्मद वसीम की। मोहम्मद वसीम UAE के जो कैप्टन है रिसेंटली जो बने, तो एंड उनका एज अ कैप्टन स्टैट्स क्या कहता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर हम देखें इस वक्त क्या हाल चल रहा है उनका। नहीं बिल्कुल, और अगर हम मोहम्मद वसीम की यहाँ बात करें, जी हाँ, तो मोहम्मद वसीम ने 40 इनिंग अब तक खेली हैं और 1416 रन उन्होंने किए हैं और साथ ही साथ 36.31 की उनकी बैटिंग एवरेज है, 1091 बॉलें उन्होंने फेस की हैं, एक सेंचुरी है, 9 हाफ सेंचुरीज हैं और 122 फोर्स है और 96 हैं। तो ये मोहम्मद वसीम का अभी तक का जो ऐसा कैप्टन करियर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं धोखा मत खा जाइएगा क्योंकि मैं खा गया था कल ऐन के सामने, 96 जो आप देख रहे हैं ये 96 एज अ कैप्टन स्टैट्स हम आपके सामने बता रहे हैं कि एज अ कैप्टन उनके कितने रन है, कितने स्टैट्स है, याद रखिएगा। वरना आप सोचेंगे कि अभी तो मैंने 101 छक्के लगाए 2023 में, यही गलती मुझसे भी हो गई थी, मैंने भी ऐन से कहा था तो ऐन ने मुझे कहीं ना कहीं इस पर करेक्ट किया था। खैर, अब बात करते हैं रोहित पुडेल की, उनके स्टैट्स एज अ कैप्टन क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब से वो कप्तान बने हैं, जिन जिन मैचों में और अब तक क्या हाल है। बिल्कुल, और रोहित पुडेल की बात करें तो 41 इनिंग्स उन्होंने एज अ कैप्टन अभी तक खेली है, 1069 रन है, 30.54 का बैटिंग एवरेज, 1215 बॉल फेस की है, 0 सेंचुरी है, 7 हाफ सेंचुरीज हैं, 89 फोर्स हैं और 30 सिक्सेस हैं। बिल्कुल, तो एक बात तो क्लियर है, चलते हैं सीधे कंपैरिजन में कि बैटिंग स्टैट्स में सबसे 1-2-3 पर कौन है इस कंपैरिजन में और सबसे ज़्यादा लीड कौन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो इतना तो है कि तीनों ने 1000 रन एज अ कैप्टन कंप्लीट कर लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इसका क्रेडिट तीनों को ही है, जरूर कि तीनों ने ही काफ़ी बेहतर किया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम चले मोहम्मद वसीम से अगर देखें तो 40 इनिंग में उनकी जो एवरेज है वो आप देखेंगे तो तीनों के मुकाबले सबसे बेहतरीन है, 36 की उनकी एवरेज है और 40 की आसपास की इनिंग है, तीनों की जो इनिंग्स है वो लगभग सेम ही है, 1-2 इनिंग ऊपर नीचे है लेकिन लगभग सेम ही है, तो यहाँ पर ये मैटर करता है। तो मोहम्मद वसीम इन दोनों से काफ़ी आगे निकल रहे हैं, एवरेज की बात करें, रन की बात करें, बॉल फेज में डेफिनेटली रोहित पुडेल और मुनान पटेल का जो काम है वो ज़्यादा बेहतर है मोहम्मद वसीम के मुकाबले, ऑब्वियसली है क्योंकि ये दोनों मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आ जाते हैं और वो ओपनर है और उनका अगर आप देखेंगे
तरीका ओपनिंग में अलग हो जाता है और मिडिल ऑर्डर में खेलने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। बिल्कुल, तो एज अ ओपनर भी उनका एवरेज एक मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन से ज्यादा है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके टैग में जरूर जुड़ा हुआ है। एक सेंचुरी उन्होंने लगाई है, जहां पर अगर हम देखें रोहित की कोई सेंचुरी नहीं है एज अ कैप्टन और मोनांक किए गए, तो यहां पर भी मोहम्मद वसीम बेटर कर रहे हैं। 9 हाफ सेंचुरीज हैं जो सबके कंपेयर में सबसे ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है। फोर्स में भी अगर हम देखें बाउंड्रीज में 4 या सिक्सेस में, इसमें भी वो काफी ज्यादा सिक्सेस को हम वनडे में नहीं लेकिन पूरे इंटरनेशनल की हम बात कर रहे हैं तो फोर्स और सिक्सेस में भी वो कहीं आ गया। तो क्लियर है कि बैटिंग स्टैट्स में सबसे बेहतरीन जो लीड है, यानी एज अ कैप्टन जिनकी सबसे बेहतरीन बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है अपनी टीम के लिए, वो नो डाउट मोहम्मद वसीम है, जिन्होंने भर भर के रन किए अपनी टीम के लिए एज अ कैप्टन, जो हर पैमाने में लगभग आगे निकलते हुए हमें नजर आ रही है। सेकंड नंबर पर डेफिनेटली यहाँ पर रोहित पुड़ैल यहाँ पर होंगे, क्योंकि उन्होंने मिडिल ऑर्डर पर रहकर बॉल फेस भी किए, क्योंकि बहुत ही नेक टू नेक है। अगर हम देखें एम मोनांक पटेल वर्सेस रोहित पुड़ैल में आप क्या देखेंगे, क्योंकि दिस मार्जिनली रन्स एवरेज भी एकदम 0.10 का डिफरेंस है, बॉल फेस पे भी सिर्फ 11 बॉल मोनांक पटेल आगे हैं, तो आप क्या कहेंगे यहाँ? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, तो नंबर वाइज तो थोड़ा बहुत आगे मोनांक पटेल ही है ऑब्वियसली, क्योंकि एक सेंचुरी भी आ जाती है यहाँ पर और एवरेज में भी पॉइंट डेसिमल का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे आप तो दोनों ने ही बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि दोनों ही दोनों के कंपेयर करेंगे आप, वसीम तो खैर ऊपर है ही दोनों से, लेकिन अगर खुद में कंपेयर करेंगे रोहित वर्सेज मोनांक एज अ कैप बैटिंग जितना कंट्रीब्यूट किया है टीम के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कहेंगे तो 51-49 का मामला आ जाता है। जी हाँ, 51 मोनांक और 49 बहुत मार्जिनली है, तो यही है, लेकिन जो विनर है इस कंपैरिजन में कि एज अ बैटिंग कंट्रीब्यूशन, एज अ कैप्टन बैटिंग कंट्रीब्यूशन फॉर हिज टीम, डेफिनेटली इन तीनों में मोहम्मद वसीम लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं दूसरे पैमाने की तरफ, यानी एज अ कैप्टन अब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है टीम को जिताने की, टीम की परफॉर्मेंसेस की, आप किस तरह से टैक्टिस लगाते हैं, किस तरह से आपकी टीम ने आपके अंडर परफॉर्मेंस दी है, किस तरीके की आपने टीम को उठाया है, इसके बारे में आप बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। शुरुआत करें सबसे पहले तो रोहित पुड़ैल से हम शुरू करेंगे, एंड रोहित पुड़ैल के अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एज ए कैप्टन कितने मैचेस में वो कप्तानी कर चुके हैं, क्या विनिंग परसेंटेज है, क्या क्या उनके अंडर अचीवमेंट्स आई है, ये सब जानते हैं, फिर बाकी को भी जानते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। बिल्कुल, और 42 मैचेस में अब तक पूरे ओडीआई प्लस टी20 मिलाकर है ये, तो 42 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है, जिसमें कि 26 में टीम को जीत मिली है उनकी कप्तानी में, 62% का विनिंग परसेंटेज है। साथ ही साथ कुछ अचीवमेंट भी है उनके पास कि वो टॉप 3 में उन्होंने फिनिश करवाया टीम को क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, वहीं पर ओडीआई स्टेटस को भी सेव कराया, एशिया कप फर्स्ट टाइम खेला, और आखिरकार एक डेकेड के बाद आखिरकार नेपाल की टीम 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई करी, तो उसमें भी जो कप्तान है उनका बहुत अच्छा एक क्रेडिट जाता है। बिल्कुल क्रेडिट जाता है इसमें। उसके बाद चलिए कंपैरिजन देखना होगा कि बाकी के मुकाबले किस तरह की चीजें हैं, लास्ट में विनर पता चलेगा। उसके बाद बात करें मोनांक पटेल की, तो मोनांक पटेल जो यूएसए के कैप्टन है उनकी अगर बात करें तो उनके अंडर जो एज अ कैप्टन टीम में 40 मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, अभी तक 21 में जीत मिली है, 52% विनिंग परसेंटेज है, और अचीवमेंट्स में ये बहुत बड़ा सेटबैक है, सिर्फ इतना है कि ओडीआई स्टेटस बचाने में वो कामयाब रहे हैं, जो क्वालिफायर प्लेऑफ में उन्होंने बचाया वो भी क्वालिफायर प्लेऑफ में बचाया जाकर, चलिए बचाया तो सही, ओडीआई स्टेटस बचाया। और जहां तक बात है आप सोचेंगे टी20 वर्ल्ड कप भी, लेकिन डेफिनेटली ये उन्होंने अर्न नहीं किया है, वो होस्ट हैं इसीलिए, हां आन करके जाते तो डेफिनेटली वो भी उनके टैग में होता, एज अ होस्ट उन्हें मिला है। तो मोहम्मद वसीम, माफ कीजिएगा, मोनांक पटेल के अंडर में ये इस तरह की 2026 के लिए कर जाए तो अलग तो बात होगी, तब इस अचीवमेंट में जोड़ा जाएगा। एंड मोहम्मद वसीम का जानते हैं, फिर देखते हैं विनर कौन है। जरूर, मोहम्मद वसीम ने 40 मैचेस में कप्तानी की है, जिसमें 17 में जीत मिली है, 42% उनका विनिंग परसेंटेज है, और दो अचीवमेंट है कहीं ना कहीं उनके साथ, किसी एक ओडीआई स्टेटस उन्होंने बचवाया टीम का, यूएई टीम का, और साथ ही साथ फुल मेंबर्स को भी यहाँ पर उनकी कप्तानी में यूएई हराने लगी है। हमने ये बार बार कुछ एग्जांपल्स हाल ही में, खासकर पिछले साल हमने बहुत देखे। बिल्कुल, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को उन्होंने मात दी, अफगानिस्तान को अभी रिसेंटली मात दी, उससे पहले भी मात दी थी, राशिद खान के रहते हुए भी मात दी थी, और राशिद खान के बिना भी मात दी है, उसके बाद न्यूजीलैंड को भी उन्होंने, न्यूजीलैंड अच्छे खासे की प्लेयर्स थे, तो ये बात हो गई तीनों की। अब आमना सामना करते हैं इन तीनों का, इन तीनों के आमने सामने को अगर हम रखें तो डेफिनेटली यहाँ पर अचीवमेंट्स और सब चीजों में जो कैप्टन में विन परसेंटेज में रोहित पुड़ैल काफी आगे हैं सारे बाकी से, अचीवमेंट्स में काफी आगे हैं, एशिया कप हो, टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई कराना हो, तो इन सब में नो डाउट रोहित पुड़ैल काफी बुरी तरह से मोहम्मद वसीम, और मोहम्मद वसीम तो बहुत ही दूर है, और मोहम्मद वसीम को भी काफी दूर बहुत ही बड़े मार्जिन से यहाँ पर हराते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ओवरऑल कंप्लीट अगर आप पैक देखेंगे इनसे ये तीनों कप्तानों में, तो सबसे सक्सेसफुल विथ बैट एंड एज अ ओवरऑल कैप्टन एंड रोहित पुड़ैल यहाँ होते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली बैट से कॉन्ट्रीब्यूशन मोहम्मद वसीम में ज्यादा जरूर है, लेकिन यहाँ पर हम एज अ कैप्टन जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इतना खराब स्टैट्स है रोहित
का 30 से ऊपर का एवरेज है, 1000 से ऊपर रन है, उसके साथ साथ उन्होंने अचीवमेंट भी जोड़ी। आपकी क्या राय है? नहीं बिल्कुल सही कहा, यंग है, आपको ये एज भी देखना होगा। इस एज में ऐसी स्टैट्स अगर हम जो हमने आपके सामने रखे हैं, ये नंबर बहुत प्रॉमिसिंग है, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ये एवरेज भी उठेगा और आपके कप्तानी में भी एक इजाफा होगा, आपके एक्सपीरियंस में भी, यानी कि इससे साफ है दिखने में, हमें समझ में आ रहा है कि इन दोनों के अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों मोहम्मद वसीम और मोनांग से बेहतर ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं जब ग्राउंड में आते हैं, क्योंकि आप विनिंग परसेंटेज देखेंगे 62% का विनिंग परसेंटेज है अगर हम कंपेयर करें आपके मोहम्मद वसीम से और आपके मोनांग से, तो इन दोनों से बहुत बेहतरीन है, यानी कि वो अपने प्लान्स को जो बनाकर आते हैं उसे बहुत अच्छा ग्राउंड में उतार पाते हैं कहीं ना कहीं, और इनसे बेहतर उतार पाते हैं, ये कहने का मतलब है, मेरा ओवरऑल कहने का यहाँ मतलब नहीं है, इन दोनों से हम कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों के मुकाबले बिल्कुल ऑब्वियसली है रोहित पोडर एज अ कैप्टन बहुत बेहतर साबित हुए हैं। बिल्कुल, तो इन तीन कप्तानों को जो बनाया गया उसमें रोहित पोडर ने सबसे बेहतर वर्क किया है, बैट से भी और ओवरऑल कैप्टनसी से भी। और एक चीज और, अगर आप ये सोचें कि होम एडवांटेज का बहुत बड़ा इफेक्ट है, तो इस कंपैरिजन में होम एडवांटेज में भी रोहित पोडर एज अ कैप्टन काफी आगे हैं दोनों से, क्योंकि मोहम्मद वसीम की कप्तानी में यूएई में यूएई को भी काफी खेलने को मौका मिला, लेकिन वहां पर उतनी विनिंग परसेंटेज नहीं जितनी रोहित की एज अ होम में है, और मोनांग पटेल की भी, ऐसा नहीं कि मोनांग पटेल की कप्तानी में यूएसए ने यूएसए में क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन वहां भी विनिंग परसेंटेज उतना नहीं है जो रोहित पोडर बराबर पहुंच सके। तो होम एडवांटेज की भी अगर आप बात करेंगे तो भी रोहित पोडर इन दोनों से काफी आगे निकल रहे हैं। तो इस कंपैरिजन में जो रिसेंटली कप्तान बने हैं 2-3 सालों में ही, 1-1.5 सालों में ही, उनमें रोहित पोडर ने फ्लाइंग कलर्स से इस टेस्ट को पास किया है, और उम्मीद है उनसे ज्यादा और बढ़ेंगी जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल इस कंपैरिजन में इतना ही, बाकी दो और कंपैरिजन हमने डाले हुए हैं, मोहम्मद वसीम वर्सेस कुशल गुर्जर, वरिंदर सिंह वर्सेस रियाज अली शाह, जाकर एक बार जरूर चेक करिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लगातार बनाते रहते हैं।